ये देश कितना महान है, ये भारत कितना महान है। भारत शान पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे देश की। धन धन लक्ष्मी बाई अमर करियई झांसी, ओ सोने के अक्षरों में लिखियई भगत सिंह की फांसी। हसके 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 फांसी पर चढ़ो भगत सिंह, लक्ष्मी बाई, झलकारी बाई झांसी को अमर कर दिया। भगत सिंह लाहौर में कतल के चलो कतल कर, भगत सिंह को बुलाया। 7.5 फुट का था भगत सिंह, 7.5 फुट का है जवान। रोज सरदार भगत सिंह को अदालत बीच बुलाया गया, वो हसनाया पर सख्त मना है। अंग्रेज जज बोला भगत सिंह ये अदालत है, इसमें हंसना मना है। और जोर के हसन लगो, हंसना यहां पर सख्त मना है, इसको समझाया गया। लेकिन हंसी को रोक सकाना बहुत जरा धमकाया गया, फांसी इसको होनी चाहिए ऐसा सुनाया गया। तो ही अदालत की कमना भारी शैतानी होती है, देश धर्म पे मरता है बाकी अमर कहानी अदालत है, हंसना मना है। और जोर से हंसा, अंग्रेज जज जल गया, इसको फांसी होनी चाहिए, अदालत की तोहिन करता है। तो भगत सिंह कहने लगा, हंसकर बोला भगत सिंह आरो हंसने में आनंद मुझे, और धधक रही है ज्वाला दिल में कभी बुझाई नहीं मुझे। आजादी की आग मेरी छाती में सुलग रही है। और हम ये भी जानते हैं, तू फांसी के डर से मेरी हंसी रुकवाना चाहता है। ये भी जानता हूं कि तू फांसी हमें लगवा देगा, क्योंकि तेरे हाथ की बात आ रही। एक बात का जवाब दे, अंग्रेज जज बोला पूछ, तो भगत सिंह बोले फांसी के बदले में तू फांसी पर मुझे चढ़ा देगा, फांसी पर हंसी आएगी तब तू कौन सजा देगा।
बदले में तू फांसी पर मुझे चढ़ा देगा, लेकिन मुझे एक बात बता, जब फांसी पर हमें हंसी आएगी तब तू कौन सजा देगा? जब फांसी पर हंसेंगे हम, अंग्रेज जब दांतों के नीचे कलम दबा गया कि भगत सिंह हमने जवानियां बहुत देखी, तेरी ऐसी मचलती हुई जवानी नहीं देखी। भगत सिंह कहने लगे सारे सात समुद्र पार हमें गुलाम बनाने चलाया, गुलाम बनाने, और तू भारत के नौजवान की जवानी से परिचित नहीं? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? भागवत सुनने आए कि बाहर झोंकने आए? क्या बात कर रहे हो? फिर बाद में कहते हमारी बात समझ में नहीं आई है? जब बात है तुम यहाँ गप्पे लड़ा के बात क्या समझोगे? तुम शांत बैठो। अंग्रेज जज बोला बारी बात, किस मैया ने पैदा किया है तुझे? तेरा गुरु कौन है जो ये शब्द कहा लोगो? तो भगत सिंह के आंसू निकल गए। आजादी की प्रेरणा कैसे मिली तुझे? जानते हो लोगों, सबसे पहले आजादी की आवाज किसने उठाई? जानते हो? बताओ सबसे पहले आजादी के लिए किसने ललकारा? कोई कह रहा मंगल पांडे ने, कोई कह रहा तिलक ने, कोई कह रहा गांधी जी ने। अभी तक हमारे देश के नेता को ये होश नहीं कि सबसे पहली आवाज किसने उठाई? लोगों, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि सबसे पहले किसने नारा लगाया कि देश छोड़ो। भगत सिंह रोने लगे तो अंग्रेज जी ने पूछा तेरे गुरु का क्या नाम है जिसने आजादी की प्रेरणा दी तुझे? भगत सिंह बोले जिससे हमको मिली प्रेरणा मैं उनके दर्शन किए नहीं, ओ है भारी अफसोस दयानंद ज्यादा दिन तक किए नहीं। पहली आवाज महर्षि दयानंद ने दी है, आजादी की आग ऋषि दयानंद ने लगाई है। आज का नेता नाम नहीं जानता, मंच पर नाम नहीं जानता, बोलेगा क्या? ऋषि दयानंद हिंदुत्व चांद में चोटी अगर बाकी है तो दयानंद की कृपा है। ये बहन बेटियां जो आज पढ़ लिख रही हैं वो ऋषि की कृपा है न? इन्हें तो सूत्र माना जाता था, इन्हें पैर की जूती माना जाता था। ऋषि दयानंद ने कन्या गुरुकुल खुलवा खुलवा के बेटियों को पढ़ाया। कलकत्ता बैठे ऋषि दयानंद, एक अंग्रेज अधिकारी आओ बोला ये महात्मा जी हमारी शिक्षा तुम्हें कैसी लगी, मेरा राज कैसा लगा? ऋषि बोले बहुत अच्छा। तो वो अंग्रेज जज बोला उस गौर से प्रार्थना करो कि मेरा सुराज्य नहीं बना रहे। तो ऋषि दयानंद बोले दयानंद बोले उसे मत भारत को बर्बाद करो, आए जहां से जाओ वहीं अब देश मेरा आजाद करो। दयानंद जब कहा
रखना भाइयों। ब्राता श्री बालक राम यादव राजकुमार सेठक साहब और समस्त यदुवंश परिवार, 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प किया है। कथा 11 बजे शुरू होकर 5 बजे विराम लगता है और कल आप लोग चंद्रवंश सूर्यवंश भक्त प्रहलाद जैसे पावन गाथाओं का श्रवण करेंगे। जिन लोगों को हमारा लिखा हुआ गीता चाहिए, संकट हरण गीता जो 1 साल में हमने लिखा भगवान कन्हैया की प्रेरणा से, बड़े बड़े अधिकारियों ने बधाइयां भेजी हैं जो उनमें इनके आईजी वगैरह सबकी तस्वीरें भी हैं। आप लोग गीता खरीदिए, भगवान कृष्ण की वाणी को किस तरह हमने साकार किया और सरल भाषा में लिखा है, सरल भाषा में। अब आप लोग खड़े होकर